हेलो नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नोमेड रंजीत पे। और अभी हम लोग सुबह में आ गए हैं छठ घाट पे, और इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ कि सुबह का छठ घाट मतलब कैसा लग रहा है हम लोगों का। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, मतलब अर्घ का दूध की व्यवस्था है यहाँ पर, तो वही दूध लेने हम लोग जा रहे हैं। हम लोग अर्घ का दूध लेने जा रहे हैं और आप लोगों को दिखा रहे हैं कि मतलब यहाँ पर अर्घ के दूध की व्यवस्था है। यहाँ पर मतलब पूरी तरह से व्यवस्था की जाती है कि किसी भी छठ व्रतियों को कोई भी मतलब सुविधा ना हो। और देखिए यहाँ पर मतलब चाय स्वेच्छा अनुसार मतलब अपना दे दे रहे हैं दान रुपया। और यहाँ पर देखिए मतलब चाय की परिपूर्ण व्यवस्था है। और ये जो घाट है सेंट्रल जेल घाट है, तो अभी लोग मतलब छठ व्रती के साथ साथ और बाकी सब लोग मतलब चाय पी रहे हैं। तो ये भी चारों तरफ अलग अलग कोई मतलब देखिए वहाँ पर जो है मतलब बाजे की व्यवस्था है, लोग बाजा भी कर रहे हैं। और यहाँ पर चलो आगे चलिए, तो मतलब आप देखिए कितना मतलब बिल्कुल एक मेले की तरह यहाँ पर हम लोग छठ का महोत्सव मनाते हैं। और जो जैसे आना चाहिए, नन्हे नन्हे बच्चे भी नहाने की जिद कर चुके हैं। तो छठ का ये जो महत्व है मतलब बिहार में तो भाई स्पेशल है, तो और धीरे धीरे जो ये फैल रहा है अच्छी बात है, और फैलना भी चाहिए क्योंकि परंपरा एक दूसरे को अपनाने से एक दूसरे के साथ मतलब प्रेम सौहार्द बढ़ता है। तो अब मतलब सूर्य भगवान आने वाले हैं, और सूर्य भगवान आने के साथ ही मतलब ये हमारे मतलब सोनू भैया जी हैं, ये मतलब छठ का दूध लेकर आए हैं। और ये मतलब छठ का दूध लेकर आए हैं, पैसा भी नहीं दिए हैं, ये नहीं है देखे 10 बार नाम लिख चिलवाए हैं। ये सभी लोग सूर्य भगवान के निकलने का इंतजार कर रहे हैं। ये दोनों हमारे घर की छठ व्रती हैं, ये जो दोनों महिलाएं दिख रही हैं। तो अभी हम लोग मतलब गंगा जी के में देख रहे हैं, गंगा जी में स्नान करते हुए, और देखा जाएगा कि मतलब कब सूर्य भगवान बाहर आएंगे और उनको अर्घ समर्पित किया जाएगा। की लालिमा मतलब सूर्य भगवान की जो लालिमा है वो दिखने वाली है, दिख रही है, इसीलिए हमारी सभी छठ व्रती महिला है अब धीरे धीरे मतलब स्नान करके मतलब सूर्य भगवान का इंतजार कर रही है, और धीरे धीरे मतलब उनको जल अर्पित कर अर्घ अर्पित किया जाएगा। तो सभी महिलाएं मतलब जल में इंतजार कर रही है। और ये लोक आस्था का पर्व छठ जो है 2022 का अब धीरे धीरे समाप्ति के कगार पर पहुँचता हुआ, और हम लोग इसे अगले साल भी फिर इसी धूमधाम के साथ मतलब मनाएंगे। और ये प्रशासनिक स्तर पर लोग जो है हम लोगों की सहायता के लिए है, लेकिन सहायता करते नहीं है, बस ये अपनी किसी तरह ड्यूटी पूरा कर लेते हैं। और देख रहे हैं सभी लोग ढोल बाजे ताशे के साथ, और सभी छठ व्रती महिलाएं मतलब इंतजार कर रही हैं। और ये जो आ रहे हैं हमारे घर के मुखिया साहब, ये यहाँ के महत्वपूर्ण पर्सनालिटी हैं, जो मुस्कुराते कम हैं लेकिन जब मुस्कुराते हैं तो पहले अच्छा तो मान है जो हमारे लोग यहाँ छठ पर्व मनाने आई है। अक्सर नगर पालिका की नाव की मतलब ये सवारी है, और ये घूमकर निरीक्षण करती है कि मतलब कोई जो घाट है कोई क्षति ना हो किसी को। सूर्य भगवान उग चुके हैं, और उगने के साथ ही मतलब ये जो वृक्ष है इससे सूर्य भगवान की जो लालिमा है नहीं दिख पा रही है, और लेकिन सूर्य भगवान उग चुके हैं, इसीलिए अब हम लोग लेकर जा रहे हैं अर्घ दिलवाने के लिए। तो ये ये हमारी भाभी श्री हैं, और ये हमारी बहन जी हैं, दोनों लोग मतलब छठ व्रती हैं यहाँ की, और ये दोनों लोग हम लोग घर के मतलब लेकर आए हैं अर्घ दिलवाने के लिए। और ये हमारी बड़ी भाभी जी हैं, मुस्कुराती कम है गुस्साती ज़्यादा है, तो इसको हम लोग आम भाषा में सिंधोरा बोलते हैं, मतलब बिहार के लोग मतलब इस सबसे जुड़े हुए होते हैं, बाहर के लोग जो होते हैं शायद उनको नहीं पता है। और आज मतलब सिंधोरा में से सिंदूर लगाया जाता है। अर्घ का दूध है मतलब इसे अर्घ दिलवाएंगे हम लोग जा रहा है, तो मतलब सूर्य भगवान निकल चुके हैं, तो ये मतलब एक दूसरे को अर्घ दिलवा रहे हैं। मत गिरा दे।
साथ ही मैं वीडियो का एंडिंग कर रहा हूँ, और जो भी मतलब जो छठ व्रत से थोड़ा सा भी लगाव हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अभी आपके सहयोग की ज़रूरत है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जय हिंद, धन्यवाद।